आईवी टीवी देखता है इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आपका आईवी टीवी में और मैं हूं आपके साथ श्रीषि श्रीवास्तव। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। आज पंचायत चुनाव के कुल 191 पंचायत के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। आज कुल 10 जिलों में मतदान हो रहा है। इनमें जमुई, अरवल, गया, कैमूर, नवादा, बांका, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद और मुंगेर शामिल है। पहले चरण में जमुई के सिकंदरा, अरवल के सोनभद्र, वंशी, सूर्यपुर, गया के बेलागंज और खिजरसराय, कैमूर के कुदरा, नवादा के गोविंदपुर, बांका के धौरैया, रोहतास के दावत और संझौली, औरंगाबाद के औरंगाबाद, जहानाबाद के काको और मुंगेर के तारापुर प्रखंडों में मतदान हो रहा है। 6 पदों में पंचायत सदस्य, मुखिया पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव ईवीएम से और पंच एवं सरपंच का चुनाव बैलेट बॉक्स से हो रहा है। वोटर्स फोटो पहचान पत्र या वैकल्पिक पहचान पत्र के आधार पर मतदाताओं को मतदान की इजाजत दी गई है। पहले चरण की वोटिंग के लिए 12,000 से अधिक पुलिस पदाधिकारी और कर्मी तैनात किए गए हैं। पहले चरण में 156 मतदान भवन नक्सल प्रभावित इलाकों में है। इसको देखते हुए राज्य पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस मुख्यालय के अनुसार सभी मतदान भवनों, सेक्टर, ईवीएम क्लस्टर जोन एवं अनुमंडलीय व जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के लिए 2300 से अधिक पुलिस पदाधिकारी एवं 10,000 से अधिक जिला पुलिस बल, होमगार्ड, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस व सैफ के जवानों को प्रतिनियुक्ति किया गया है। मुख्यालय ने कहा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरी तैयारी की गई। तो बिहार में पंचायत चुनाव का डंका बज चुका है और ये कुछ दिनों तक तो चलेगा ही। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहे आईवी टीवी। हम यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे लाइक करें और ट्विटर पे फॉलो करें। धन्यवाद।